दोस्तों चने अपने आप में एक परफेक्ट डाइट है। यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है जो शरीर को मजबूती प्रदान करता है। भीगे चने खाली पेट खाने से शरीर की कई बीमारियों से बचाने के साथ साथ यह बॉडी को हेल्दी रखता है। लेकिन कई बार यह परफेक्ट डाइट जहर का रूप भी ले लेता है। ऐसा तब होता है जब आप इसको खाने के बाद गलत चीज खाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि खाली पेट चने खाने के साथ आपको क्या क्या नहीं लेना है। ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में मैं बताऊंगा जिनको कभी भी चने खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। अगर आप चने के साथ इन चीजों को लेते हैं तो इसके आपके बॉडी में रिएक्शन होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है और आप लाइलाज बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। चने खाने के तुरंत बाद कौन कौन से चीजों को नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना। लाइक के हमें पैसे नहीं मिलते हैं, थोड़ा मोटिवेशन अप हो जाता है। और हमारे सभी हेल्थ अपडेट्स को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अंडा और चना दोनों ही हाई प्रोटीन फूड है। दोनों ही बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, लेकिन दोनों को एक साथ लेना बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर दोनों को साथ में खाते हैं तो यह शरीर में रिएक्शन करते हैं जो हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हमको पेट संबंधी बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो 2 घंटे के अंतराल में खा सकते हैं। चने खाने के बाद कभी भी आपको करेले का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है बिल्कुल वही करेले में भी पाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि भीगे हुए चने में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है और करेले में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल उससे ज्यादा होता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में जाकर मिक्स होकर जहर बना देता है। इस जहर का रिएक्शन धीरे धीरे होता है और गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। वैसे कच्चा लहसुन खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सुबह खाली पेट खाया जाए तो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन आपने अगर चना खाया हो तो तुरंत बाद कच्चा लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोनों चीज अगर एक साथ खाते हैं तो शरीर में बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेट से रिलेटेड काफी सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए आप दोनों के बीच कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतराल रखें। चने खाने के बाद कभी भी हमें अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और इसे चने के बाद खाना मतलब पेट में जहर बनने के बराबर होना तय है। भीगा हुआ चना और अचार का रिएक्शन एक साथ हो जाएगा और पेट में जहर बनने के साथ साथ इसे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कई बार तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसके अलावा सीने में भी लगातार जलन और दर्द बना रहता है। ध्यान रखें कि आप सुबह भीगे चने के साथ दूध का सेवन ना करें, इससे बहुत ही बुरा रिएक्शन होता है और पेट की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो ध्यान रखें कि सुबह भीगे चने के साथ दूध कभी भी ना लें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हौसला अफजाई के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।